कि छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा विधानसभा है। जब 2008 में मतदान हुआ था उस समय मात्र दो ही मतदाता थे यहाँ पर। इलेक्टर में आते हैं और मतदान करवाते हैं, दो दिन पहले आ जाते हैं। पांच मतदाता भी हैं जो कि यहाँ पे 100% मतदान होता है। छत्तीसगढ़ के भरतपुर विधानसभा के सबसे छोटे मतदान हम सेराडार पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण है, आइए उसे जानते हैं। इस क्या कहते हैं, पोलिंग बूथ में केवल पांच मतदाता है और यहाँ 100% मतदान होता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं, इसे पूछते किस तरह के मतदान होते हैं, केंद्र कितनी दूरी पे है यहाँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा विधानसभा है जो कोरिया जिला में आता है और भरतपुर सोनहत विधानसभा के में, ये विधानसभा भरतपुर सोनहत विधानसभा के सोनहत ब्लॉक में सेराडांड ग्राम है, आश्री ग्राम है, ग्राम पंचायत चंदा का। यहाँ पे पांच मतदाता हैं आज की स्थिति पे और यहाँ पे 100% मतदाता हो मतदान करते हैं यहाँ की जनता। और आपको बताना चाहूँगा जो भी मतदान दल आते हैं काफ़ी कठिनाइयों के सामना करके दो दिन पहले ही आते हैं यहाँ पे। पहले क्या था, पहले एक तिरपाल से तंबू बनाया जाता था, उसमें मतदान करवाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर देवगुड़ी का निर्माण हो गया है, पक्के की मकान हो गई है जिसमें मतदान होना संभव है। 2008 में जब यहाँ मतदान दल पहुँचा था तो कैसे मतदान हुआ था, कितने मतदाता थे? जब 2008 में मतदान हुआ था उस समय मात्र दो ही मतदाता थे यहाँ पर और वो बाइक से आए थे। काफ़ी कठिनाओं का सामना करके 10-12 पूरी टीम आई हुई थी और यहाँ के लिए अलग से ही मतदान केंद्र बनाया गया था, क्योंकि ये मतदान ऐसा है जो देश में लोग इसको हुआ कट कर दिए कि देश में मतदान करना लोग एक पर्व की तरह मानते हैं, इसलिए यहाँ पर मतदान केंद्र बनाया जाता है और लोग उत्साह के साथ मतदान करते हैं। हमारे साथ कोई ग्रामीण है, उनसे भी जानते हैं यहाँ कैसे मतदान दल पहुँचता है, नदी पार क्रॉस करना पड़ता है, किस साधन से यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ मतदान केंद्र में ट्रैक्टर से मतदान अधिकारी लोग पहुँचते हैं, काफ़ी कठिनाइयों के साथ नदी पार करके। कितने दिन पहले पहुंचते हैं? दो दिन पहले यहाँ पहुंचते हैं। किस तरह से मतदान का सिस्टम यहाँ वो करते हैं संचालित? इसमें तंबू लगाए रहते हैं, वहाँ मतदाता लोग आते हैं और मतदान अपना करते हैं। हमारे साथ कुछ अगर ग्रामीण है उनसे भी जानते हैं, ये हमारे यहाँ सेराडार के मतदाता, इनसे जानते हैं किस तरह से मतदान दल यहाँ आता है और किस तरह से इन लोग मतदान 100% करते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर में आते हैं और मतदान करवाते हैं, दो दिन पहले आ जाते हैं और सब वोट डालते हैं, पांच वोट है। तो कितने कैसे मतदान होता है, कि समय क्या रहता है और किस समय लोग जाते हैं? समय तो वही सर्दी 11 बजे से 5 बजे रहते हैं, तो उसके बाद रुकते हैं कि इन लोग चले जाते हैं? उसके बाद चले जाते हैं। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण है, उनसे जानते हैं किस तरह से मतदान होता है सेराडार में और कितने मतदाता है और किस तरह से यहाँ मतदान दल पहुँचता है और किस तरह से वो करता है। यहाँ पे इस भरतपुर सोनहत का बहुत ही दूरवांचल क्षेत्र का ये मतदान केंद्र है, इसमें मतदान कर्मी ट्रैक्टर के द्वारा बहुत ही कठिन परिस्थिति में पहुँच पाते हैं और यहाँ पे टोटल पांच मतदाता भी हैं जो कि यहाँ पे 100% मतदान होता है। आपको बता दें कि यहाँ 100% मतदान होता है। सेराडार ग्राम है, ये चंदा का आश्रित ग्राम बताया जाता है और ये कोरिया जिले के सोनहत विकास खंड में आता है ये आश्रित ग्राम चंदा का, जहाँ 100% मतदान होता है। यहाँ केवल पांच मतदाता है और तीन घर हैं यहाँ, जबकि यहाँ मतदान दल को काफ़ी दिक्कतों का सामना करके यहाँ पहुँचना पड़ता है, ट्रैक्टर के साधन से यहाँ पहुँचना पड़ता है। वो मतदान दल यहाँ एक दिन यहाँ रुकता है और उसके बाद फिर दूसरे मतदान के दिन मतदान करवा के शाम को पुनः अपने कहते हैं वापस मतदान पेटी को ले करके वापस जाता है। धीरेन्द्र विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ तक सोनहत।